हिजबुल्ला के हमलों को झेल रहे इजराइल की एक मुश्किल हल नहीं होती और दूसरी मुसीबत उसके लिए तैयार रहती है। अब यमन के अंसारुल्ला आंदोलन के नेता ने कहा कि उनका समूह ईरान में हमास प्रमुख इस्माइल हानिये की इजरायली हत्या का बदला लेगा। बदला लेने की बातें पहले भी हुई है, लेकिन गंभीर तरीके से बदला लिए जाने की तैयारी है। बदला लेने में हो रही देरी की तरफ इशारा करते हुए अंसारुल्ला नेता ने कहा कि दर्दनाक और प्रभावी जवाब देने के लिए सावधानी पूर्वक योजना की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जवाबी कार्रवाई निश्चित होगी। अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा कि बदला लेने में देरी के पीछे सावधानी पूर्वक एक योजना बनाना है। उन्होंने कहा कि हानिये की हत्या का बदला लिए जाने के ईरान की जवाबी प्रतिक्रिया से इसराइल डरा हुआ है। हूती ने कहा कि जवाबी कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। अंसारुल्ला नेता ने इसराइल को कहा कि वो पिछले 321 दिनों से अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों की मदद से गाजावासियों के खिलाफ सदी का सबसे बड़ा अपराध कर रहा है। इजरायली हमलों से फिलिस्तीनी भुखमरी और महामारी का शिकार हो रहे हैं। इसराइल ने गाजा में नरसंहार मचा दिया है। हूती और हमास ने अलग अलग मामलों में विभिन्न देशों, सरकारों और संगठनों से फिलिस्तीन की सहायता करने की अपील की है। हमास ने जहां इजरायली कब्जे वाले इलाके में स्थित अल अक्सा मस्जिद में पिछले हफ्ते किए गए इजरायली हमलों को लेकर फिलिस्तीनी लोगों के साथ ही अन्य समर्थकों से गाजा और मस्जिद का बचाव और समर्थन करने के लिए कहा। वहीं हूती ने कहा कि फिलिस्तीन की सहायता करने में लापरवाही और विफलता पूरे मुस्लिम जगत के लिए खतरा है। जिस तरह से हूती ने हानिये की हत्या के बदले की तैयारी का जिक्र किया है, उससे लगता है कि इसराइल से बहुत मजबूती से बदला लिया जाएगा। इससे इसराइल को तगड़ा झटका मिल सकता है, क्योंकि इसराइल पहले से ही बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है।